नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। लेबनान की राजधानी बेरूत के बाहरी इलाके में आज एक घर के बाहर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और घर के आसपास पूरे इलाके में हथियारबंद कमांडोज ने एक अभेद्य घेरा बनाया हुआ है। कमांडोज जिनकी नजरें किसी भी प्रकार के खतरे को भांपने के लिए लगातार इधर उधर घूम रही हैं। आज की इस दोपहर इस इलाके की हवा में एक अजीब से तनाव को साफ महसूस किया जा सकता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में हिजबुल्ला का समस्त नेतृत्व एक साथ इस घर के अंदर इकट्ठा होने वाला है। आज मैं आपको बताता हूं कि मोसाद और CIA के एजेंट्स कहां छिपे हुए हैं। इस घर में मौजूद अपने टॉप कमांडर्स की ओर देखते हुए हिजबुल्ला का चीफ हसन नसरल्ला ये कहता है तो कमरे में एक घोर सन्नाटा पसर जाता है। आपके हाथों में ये जो फोन है, आपकी बीवी और आपके बच्चों के हाथों में जो फोन है, ये फोन ही अमेरिका और इसराइल का एजेंट है। नसरल्ला के बोलते ही हिजबुल्ला के कमांडर्स अपने अपने फोन निकाल नीचे जमीन पर रख देते हैं। इस फोन को अभी के अभी जमीन के अंदर गाड़ दो, एक लोहे के बक्से में बंद करके ताला मारो और चाबी को समंदर में फेंक दो। पिछले 1.5 दशक के दौरान हिजबुल्ला के अंदर स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था और ये चीज हसन नसरल्ला को कतई पसंद नहीं थी। वो जानता था कि नेटवर्क लोकेशन डेटा, ऐप ट्रैकिंग, GPS और ब्लूटूथ जैसे स्मार्टफोन फीचर्स का इस्तेमाल कर मोसाद हिजबुल्ला की हर गतिविधि को ट्रैक कर रही है और इसी के चलते पिछले कुछ वर्षों से वो पेजेस के ऊपर निवेश कर रहा था। एक आउटडेटेड कम्युनिकेशन डिवाइस जो यूजर की लोकेशन को उजागर किए बिना डेटा रिसीव करने की क्षमता रखती है। नसरल्ला जानता था कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठने वाला और इसीलिए उसके सख्त आदेश पर हिजबुल्ला में स्मार्टफोन्स की जगह पेजर्स और वॉकी टॉकीज ले रहे थे। उसको लग रहा था कि यह उसका एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसका तोड़ इसराइल कभी नहीं ढूंढ पाएगा और उसकी ये सोच पूरी तरह गलत भी नहीं थी। हिजबुल्ला के इन पेजर्स को ट्रैक करने में इसराइल और मोसाद की कोई रुचि नहीं थी, बल्कि वो तो उनके साथ कुछ ऐसा करने वाले थे जिसकी कल्पना हिजबुल्ला और लेबनान ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। सात अक्टूबर 2023। इस दिन को यदि इसराइल के इतिहास का सबसे काला स्याह दिन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। आज के इस दिन हमास द्वारा किए गए सरप्राइज हमलों में इसराइल के 800 फौजी और 400 सिविलियंस को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 400 सिविलियंस जिनमें औरतें, बूढ़े और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। हवा, पानी और जमीन के रास्ते इसराइल में घुसे हमास के आतंकी वापस जाते जाते 300 सिविलियंस को अपने साथ बंदी भी बनाकर ले गए, जिनमें से कम 65 लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। हमास द्वारा किए गए इस अत्यंत निर्मम आतंकी हमले के बाद ईरानी फंडिंग से चलने वाला आतंकी संगठन हिजबुल्ला भी इसराइल के विरुद्ध मैदान में कूद पड़ा और उसके द्वारा इसराइल के हाइफा, सफेद और नहारिया जैसे शहरों के ऊपर ताबड़तोड़ रॉकेट्स दागने शुरू कर दिए गए। तब से लेकर अब तक इसराइल और हिजबुल्ला के बीच ये संघर्ष लगातार चलता आ रहा है, एक संघर्ष जिसके चलते इसराइल और लेबनान का बॉर्डर लगभग पूरी तरह तबाही हो चुका है। हालत ये हो चुकी थी कि एक तरफ हिजबुल्ला लेबनान की धरती से रोजाना इसराइल के ऊपर रॉकेट्स की बारिश कर रहा था और दूसरी तरफ यमन में बैठे हुदी बागियों के पास भी अब कहीं से मिसाइल आ गई थी, और कोई ऐसी वैसी लोकल गोलाछाप मिसाइल नहीं, बल्कि लॉन्ग रेंज वाली हाईली सोफिस्टिकेटेड सुपरसोनिक मिसाइल जिसे हुदी बागियों ने तेल अवीव के ऊपर दाग भी दिया था। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जो इसराइल उम्मीद से कहीं ज्यादा धैर्य का प्रदर्शन करता आ रहा था, उस इसराइल के धैर्य का बांध 17 सितंबर 2024 की सुबह पूरी तरह टूटने वाला था। सत्रह सितंबर 2024 की सुबह इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट द्वारा एक नए वॉर ऑब्जेक्टिव के ऊपर मोहर लगाई जाती है, उत्तरी दिशा से विस्थापित हो चुके 70,000 नागरिकों को वापस उनके घर लाना। इस नए उद्देश्य को इसराइल द्वारा पहले से चल रहे दो देशों के साथ पूरा किया जाना था,
जैसे कि हमास का पूर्ण विनाश करना और 7 अक्टूबर 2023 के दिन बंदी बनाए गए नागरिकों को मुक्त कराना। इसके तुरंत बाद इजरायली सीक्रेट सर्विस शिनबेत द्वारा आधिकारिक रूप से एक बयान जारी किया जाता है। शिनबेत कहती है कि उसके द्वारा हिजबुल्ला के एक भावी प्लॉट को विफल कर दिया गया है, एक प्लॉट जिसके तहत आने वाले कुछ दिनों में हिजबुल्ला इसराइल के एक पूर्व वरिष्ठ डिफेंस ऑफिशियल को जान से मारने वाला था। कई हफ्तों तक चले कोवर्ट ऑपरेशन के बाद शिनबेत द्वारा एक एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद की गई थी, जिसमें एक रिमोट कंट्रोल और कैमरा भी लगा हुआ था। शिनबेत द्वारा इसराइल के उस पूर्व अधिकारी का नाम तो नहीं बताया जाता, लेकिन फिर भी जल्द ही साफ हो जाता है कि हिजबुल्ला द्वारा IDF के पूर्व चीफ आवीव कोहावी को मारने की योजना बनाई जा रही थी। शिनबेत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसे कयास लगाए जाने लगते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हिजबुल्ला के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन होने वाला है, लेकिन ये कयास थोड़े से गलत थे, क्योंकि वो एक्शन कुछ दिनों में नहीं बल्कि कुछ घंटों के भीतर होने वाला था। सत्रह सितंबर को स्थानीय समय के अनुसार दोपहर के 3:30 बज रहे थे और बेरूत के एक बाजार में लोग रोज की तरह फल और सब्जियां खरीदने में व्यस्त थे। इस बाजार की एक स्टॉल पर नीली टोपी पहने आम सा दिखने वाला एक आदमी भी दूसरों की तरह फल छांटने में लगा हुआ था कि तभी उसकी पैंट की जेब में एक जोर का धमाका हो जाता है। ये धमाका होते ही चारों तरफ एक अफरा तफरी सी मच जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और नीली टोपी वाला वो आदमी जमीन पर पड़ा दर्द के मारे जोर जोर से चीखे मार रहा होता है। एक आम से मार्केट में आम लोगों की तरह फल खरीद रहे इस आदमी के बारे में कुछ भी आम नहीं था। यह हिजबुल्ला के इंटेलिजेंस विंग का एक अत्यंत शातिर कमांडर जो था। इस धमाके के तुरंत बाद लेबनान के दूसरे शहरों में भी हिजबुल्ला के हजारों पेजर्स पर एक मैसेज आने लगता है। किसी का पेजर बीप करने लगता है तो किसी के पेजर में म्यूजिक रिंगटोन और वाइब्रेशन होने लगती है, लेकिन हिजबुल्ला के लोगों को ये मैसेज उनका नेतृत्व नहीं बल्कि कोई और ही भेज रहा था। एक मैसेज जिसके कुछ सेकंड बाद इन पेजर्स में खुद ब खुद धमाके हो रहे थे, धमाके जिनके बाद लेबनान की गलियों बाजारों और घरों से दर्द भरी चीखों पुकार के अलावा और कोई आवाज नहीं आ रही थी। दक्षिणी लेबनान सीरियन बॉर्डर के पास बेका घाटी आली अन्नहारी और रियाग जैसे कुछ कस्बे, ये लेबनान के वो इलाके हैं जहां हमेशा से हिजबुल्ला की एक मजबूत मौजूदगी रही है। बेरूत में हुए पहले विस्फोट के बाद इन इलाकों में भी पेजर धमाकों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो अगले आधे घंटे तक बिना रुके चलता है। पूरे लेबनान में त्राही त्राही मच जाती है और इस देश के लगभग हर शहर में एम्बुलेंस के सायरन्स गूंजने लगते हैं। इन धमाकों के तुरंत बाद लेबनान के लगभग 150 अस्पतालों में खून से लथपथ घायलों की लाइनें लग जाती हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इन घायलों में से किसी का हाथ नहीं था तो किसी के पैर और नितंब लगभग गायब ही हो चुके थे। इन धमाकों के तुरंत बाद लेबनान के हेल्थ मिनिस्टर फिराज अबैद मीडिया को बताते हैं कि इन सीरियल धमाकों में कुल 9 लोग मारे गए हैं, जबकि 2500 घायल और 200 अत्यंत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अबैद के अनुसार घायल हुए लोगों में से ज्यादातर को चोटें चेहरे, गर्दन, छाती, हाथ और पेट के आसपास लगी थीं। वो अपने लोगों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ये धमाके पेजर्स में हो रहे हैं और जो भी लोग पेजर्स का इस्तेमाल करते हैं वो तुरंत उनकी बैटरी निकाल के जमीन के नीचे गाड़ दें। अब लेबनान के हेल्थ मिनिस्टर ने यह तो बता दिया था कि ये धमाके कैसे हो रहे हैं और इनमें कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन वो अपने नागरिकों को ये बताना भूल गए थे कि मरने वाले 9 लोगों में से 8 हिजबुल्ला के मेंबर्स हैं और इनमें से एक हिजबुल्ला के MP अली अम्मार का बेटा भी है। मंगलवार के दिन हुए इन पेजर धमाकों से पूरे लेबनान में चारों तरफ अराजकता और त्राही त्राही फैल चुकी थी। लेबनान के अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी सर कटे मुर्गों की तरह इधर उधर भागते फिर रहे थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेबनान की सरकार किसी तरह इस परिस्थिति के ऊपर काबू पाने का प्रयास कर रही थी और हिजबुल्ला हमेशा की तरह इसराइल को गीदड़ भभकियां देने में लगा हुआ था, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि इन धमाकों ने इस संगठन को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। हिजबुल्ला के नेतृत्व में लेबनान के आम लोगों का विश्वास बुरी तरह हिल गया था। वो हसन नसरल्ला जिसके कहने पर स्मार्टफोन्स की जगह पेजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो अपने लोगों को बचाने में पूरी तरह नाकाम हो चुका था।
इसराइल का संदेश बिल्कुल साफ था कि हम तुम तक कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं, और जब भी ऐसा होगा तब वो दिन भी हमारी मर्जी का होगा और वो समय भी हमारी मर्जी का। अट्ठारह सितंबर की सुबह बेरूत में हिजबुल्ला के तीन लोगों की अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी, जो 24 घंटे पहले हुए पेजर धमाकों में मारे गए थे। इनकी इस अंतिम यात्रा में हिस्सा लेने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी हुई थी। सड़क के ऊपर जाम लगा हुआ था और यात्रा में मौजूद लोग चिल्ला चिल्ला कर इसराइल विरोधी नारे लगा रहे थे कि तभी अचानक उस जोर के धमाके चारों तरफ भगदड़ मचा डालते हैं। लेबनान की सरकार और हिजबुल्ला अभी पेजस में हुए धमाकों से किसी तरह उबरने का प्रयास ही कर रहे थे। हजारों पेजस में हुए धमाके जिन्हें अभी ठीक से 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि तभी बेरूत, सिदोन, कफारसर और बालबैक जैसे शहरों में एक के बाद एक वॉकी टॉकीज फटने शुरू हो जाते हैं। आज के इस दिन वॉकी टॉकीज के अलावा स्मार्टफोन्स, सोलर पैनल्स, रेडियोज, इंटरकॉम्स और कार बैटरीज में भी धमाके होते हैं। लेबनीज सिविल डिफेंस को 60 घरों और दुकानों में आग बुझाने के लिए बुलाया जाता है, जिनमें एक लिथियम बैटरी की दुकान, 15 गाड़ियां और अनेकों मोटरसाइकिल्स भी शामिल थीं। हिजबुल्ला को संरक्षण देने वाली लेबनान की सरकार को आतंक का वास्तविक अर्थ अब समझ में आ रहा था। मंगलवार के दिन फटे हजारों पेजर्स के बाद आज बुधवार को हजारों वॉकी टॉकीज में धमाके हो रहे थे। लेबनान की हवा में दूर दूर तक धुएं के गुबार और दहशत के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सत्रह और 18 सितंबर को इन धमाकों के बाद मरने वालों की कुल संख्या 37 पर पहुंच गई थी, जबकि 3500 से ज्यादा घायल हुए थे। मरने वाले इन 35 लोगों में से 30 हिजबुल्ला के रजिस्टर्ड मेंबर्स थे। अब प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार के हमले को इतने बड़े स्तर के ऊपर आखिर कैसे अंजाम दिया जा सकता है। एक हमला जिसके लिए मोसाद ने दो चार नहीं बल्कि हजारों पेजर्स और वॉकी टॉकीज को लाइव बॉम्ब में तब्दील कर दिया और फिर हिजबुल्ला के हाथों में पहुंचाया भी, यानी कि ग्लोबल सप्लाई के अंदर सेंध लगा के ये सुनिश्चित किया कि विस्फोटक पदार्थ से लैस ये डिवाइसेस केवल लेबनान ही जाएं, किसी और देश में नहीं। हॉलीवुड की किसी फिल्म जैसे लगने वाले इस प्लान को वास्तविकता में आखिर कैसे अंजाम दिया गया था। पेजर, एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस जो 90 का दशक खत्म होने के साथ साथ लगभग लुप्त हो चुकी है। इस डिवाइस का प्रयोग हिजबुल्ला द्वारा आज भी किया जा रहा है और इसका एकमात्र कारण है मोसाद और CIA जैसी एजेंसीज के सर्वेलेंस से खुद को बचा के रखना। वैसे तो 7 अक्टूबर 2023 से पहले भी हिजबुल्ला द्वारा पेजेस का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उस दिन के बाद से इनका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, खासतौर पर फरवरी 2024 में हुई इस मीटिंग के बाद, जिसमें नसरल्ला ने अपने संगठन को स्मार्टफोन्स की जगह पेजेस इस्तेमाल करने का सख्त आदेश दिया था। जैसे जैसे साल 2023 का अंत निकट आ रहा था, इसराइल के ऊपर बरसने वाले हिजबुल्ला के रॉकेट्स की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। IDF द्वारा हमास के ऊपर तो नकेल कस दी गई थी, लेकिन हिजबुल्ला अभी भी पूरी तरह बेलगाम था। इसी के चलते 2023 के अंत में मोसाद चीफ डेविड बार्निया द्वारा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने एक प्लान प्रस्तुत किया जाता है, एक प्लान जिसके तहत मोसाद पेजस बनाने के बिजनेस में उतरने वाली थी और उसका टारगेट कस्टमर होने वाला था हिजबुल्ला। नेतन्याहू से हरी झंडी मिलते ही मोसाद द्वारा कुछ चुनिंदा एजेंट्स को हंगरी भेज दिया जाता है। ये सभी एजेंट्स हंगेरियन मूल के ऐसे यहूदी थे जिन्होंने अमेरिका की आईवी लीग यूनिवर्सिटीज से बिजनेस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की हुई थी। मई 2022 में मोसाद के इन एजेंट्स द्वारा एक शेल कंपनी की स्थापना की गई थी, हंगरी के बुदापेस्ट में स्थित एक कागजी कंपनी जिसे नाम दिया गया था BAC कंसल्टिंग। इस शेल कंपनी के लिए BAC consulting.org नाम से एक वेबसाइट भी तैयार की जा चुकी थी और अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए मोसाद को अब एक CEO की तलाश थी। इस पोजीशन के लिए पार्टिकल फिजिक्स में PhD रखने वाली हंगेरियन मूल की एक महिला क्रिस्टियाना बासोनी का चुनाव किया जाता है और इसके बाद पेजस बनाने वाली उन कंपनी से संपर्क करना शुरू कर दिया जाता है जिनके लाइसेंस पर पेजस बना BAC उन्हें दुनिया भर में बेच सके।
कुछ हफ्ते प्रयास करने के बाद ताइवान स्थित एक पेजर बनाने वाली कंपनी अपोलो गोल्ड बीएसई कंसल्टिंग से संपर्क करती है। अपोलो गोल्ड अपने पेजर्स को यूरोपियन और मिडिल ईस्ट के मार्केट्स में बेचना चाहती थी और इसके लिए काफी समय से सब्सिडरीज की तलाश कर रही थी। उसकी ये तलाश बीएसई कंसल्टिंग पर आकर खत्म होती है। जल्दी बीएसई कंसल्टिंग अपोलो गोल्ड के साथ एक समझौता साइन कर लेती है जिसके तहत उसे अपोलो गोल्ड ब्रांड नेम से पेजर्स बना अपने टारगेट मार्केट में बेचने थे। इसके बाद मोसाद द्वारा दो और शेल कंपनीज बनाई जाती हैं और फिर एक क्लासिफाइड लोकेशन पर स्थापित की गई फैक्ट्री में गोल्ड अपोलो के AR-924 पेजेस की प्रोडक्शन भी शुरू कर दी जाती है। इस फैक्ट्री की लोकेशन को इतना ज्यादा गुप्त रखा जाता है कि यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को भी इस बात का नहीं पता होता कि वो आखिर कहाँ काम कर रहे हैं। वैसे तो ये वर्कर्स इजरायली गवर्नमेंट के ही कर्मचारी थे, लेकिन फिर भी इन्हें रोज आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर यहाँ लाया जाता था और साथ ही इनसे एक NDA भी साइन करवाया गया था जिसके अनुसार वो यहाँ हो रहे काम के बारे में चाहकर भी कभी किसी को कुछ नहीं बता सकते। इधर मोसाद पेजेस बनाने के बिजनेस में उतर चुकी थी और उधर स्मार्टफोन्स को ले नसरुल्ला की नापसंद अब खौफ का रूप धारण कर चुकी थी। पर इसका कारण था मोसाद द्वारा चलाया जा रहा एक अत्यंत प्रभावशाली साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। असल में फरवरी 2024 के बाद से मोसाद द्वारा ईरानी, जॉर्डेनियन और लेबनीज एजेंसीज के पास फेक इंटेलिजेंस पहुंचाई जा रही थी। फेक इंटेलिजेंस जिसके अनुसार इसराइल अब स्विजडोव फोन के कैमरा और माइक को भी हैक कर सकती थी। नसरुल्ला तक लगातार ऐसी रिपोर्ट्स पहुंचाई जा रही थी कि स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वो इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स भी सुरक्षित नहीं है जिनका इस्तेमाल हिजबुल्ला के लीडर्स और कमांडर्स द्वारा एक दूसरे के साथ वीडियोज और फोटो शेयर करने के लिए किया जाता है। इन्हीं रिपोर्ट्स के चलते हिजबुल्ला की सभी मीटिंग्स में स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल को पूरी तरह बैन कर दिया जाता है। साथ ही नसरुल्ला द्वारा ये निर्देश भी जारी किया जाता है कि अब हिजबुल्ला की किसी भी गतिविधि या प्लान के बारे में फोन्स के ऊपर कोई बातचीत नहीं की जाएगी और कौन से रॉकेट को कब, कहां, कैसे, किस लोकेशन के ऊपर दागना है ये जानकारी भी अब पेजेस के ऊपर ही शेयर की जाएगी। नसरुल्ला के इस डर के चलते लेबनान के पेजेस इंपोर्ट में एक भारी उछाल आने लगता है और हिजबुल्ला में बांटने के लिए हर महीने हजारों पेजेस के शिपमेंट्स लेबनान आने लगते हैं। हिजबुल्ला के दृष्टिकोण से पेजेस का प्रयोग इसराइल के विरुद्ध एक डिफेंसिव मेजर था, लेकिन इसराइल के दृष्टिकोण से पेजर्स चलते फिरते हथियार थे। मोसाद द्वारा इन पेजर्स को कोड नेम दिया गया था बटन्स। हिजबुल्ला की जेबों में रखे हजारों बटन्स जिनको दबा लेबनान में कभी भी प्रलय मचाई जा सकती थी। अगस्त के महीने में हिजबुल्ला द्वारा अपने लिए 5000 पेजर्स का एक और ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है। एक शेल कंपनी से होता हुआ यह ऑर्डर बीएसई कंसल्टिंग के पास पहुंचता है और ऑर्डर मिलते ही मोसाद के क्लासिफाइड फैसिलिटी में इन पेजेस की प्रोडक्शन शुरू कर दी जाती है। इस समय मोसाद का सबसे बड़ा उद्देश्य था इन पेजेस को लाइव बॉम्ब में तब्दील करना, एक ऐसा बॉम्ब जिसे वो अपनी मर्जी से कभी भी डेटोनेट कर सकें। लेकिन ऐसा करने में सबसे पहला चैलेंज था पेजर का छोटा साइज और हल्का वजन। गोल्ड अपोलो के AR-924 पेजर की लंबाई लगभग 3 इंच, चौड़ाई 2 इंच और मोटाई मात्र 1 इंच थी और 133 ग्राम के साथ इस पेजर का वजन भी काफी कम था। कहने का मतलब ये कि इस पेजर को एक बॉम्ब में तब्दील करने के लिए मोसाद को किसी ऐसे विस्फोटक की आवश्यकता थी जिसकी डेंसिटी काफी ज्यादा कम हो और जिसको डिटेक्ट करना यदि असंभव नहीं तो लगभग असंभव हो। मोसाद के इस विशेष पेजर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे इसराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक पिछले 3 सालों के दौरान अनेकों केमिकल्स की टेस्टिंग कर चुके थे। प्लास्टिक विस्फोटक से लेकर C4 और नाइट्रोग्लिसरीन को टेस्ट करने के बाद उन्होंने इस मिशन के लिए पेंटाएरिथ्रिट्रोल टेट्रानाइट्रेट यानी के PETN को चुना था। 1.77 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर की डेंसिटी रखने वाला PETN हल्का होने के साथ साथ वाटरप्रूफ और बहुत ज्यादा लचीला भी होता है, यानी कि PETN की एक बड़ी मात्रा को अत्यंत छोटी मात्रा में आसानी से तब्दील किया जा सकता है। इजरायली वैज्ञानिकों के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी PETN की क्वांटिटी, यानी कि PETN को कितनी मात्रा में पेजर के अंदर डाला जाए। मात्रा जरूरत से ज्यादा होने पर 2 समस्याएं जन्म ले रही थीं। पहली ये कि पेजर का वजन ओरिजिनल मॉडल के मुकाबले यूजर को अपने हाथ और जेब में महसूस हो रहा था, यानी कि वजन में अंतर साफ पता चल रहा था। PETN की मात्रा ज्यादा रखने पर दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी कोलेट्रल डैमेज, यानी कि क्वांटिटी एक लिमिट से ज्यादा होने पर यूजर के साथ खड़े सिविलियंस भी धमाके की चपेट में आ रहे थे
पर नेतन्याहू ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि पेजस में होने वाले धमाकों में सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्ला के आदमी घातक रूप से घायल हों, लेबनान के आम नागरिक नहीं। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए इजरायली एक्सपर्ट सिलिकॉन से बनी डमी बॉडीज के ऊपर टेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं और इस टेस्टिंग के बाद निर्णय लिया जाता है कि पेजस के अंदर पीईटीएन की मात्रा 5 ग्राम से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन केवल 5 ग्राम पीईटीएन से एक 70-80 किलो के जवान आदमी को ऊपर पहुंचाने के लिए एक चीज का होना बहुत ज्यादा आवश्यक था, और वो ये कि धमाके के समय पेजर उसकी गर्दन या चेहरे के आसपास हो। बाकी सभी चुनौतियों को सफलतापूर्वक हल करने के बाद मोसाद अपने अगले चैलेंज की ओर बढ़ जाती है, ये सुनिश्चित करना कि धमाके के समय पेजर यूजर की गर्दन या चेहरे के पास ही हो। इसके लिए मोसाद की यूनिट 8200 द्वारा इन पेजर्स के अंदर कुछ लाइंस का एक कोड इंस्टॉल कर दिया जाता है, एक छोटा सा कोड जिसका इस्तेमाल कर इन पेजर्स के ऊपर अरबी भाषा का एक मैसेज कभी भी सेंड किया जा सकता था, और मैसेज के साथ साथ कस्टम रिंग टोन्स, वाइब्रेशन और मनचाहा म्यूजिक भी। म्यूजिक जिसके ठीक 5 सेकंड बाद पेजर की बैटरी में लगा एक अत्यंत सूक्ष्म डेटोनेटर पीईटीएन की शीट को डेटोनेट करने वाला था। इन पेजर्स में कस्टम रिंगटोन्स और म्यूजिक को इसलिए इंस्टॉल किया गया था जिससे कि मैसेज अलर्ट आने पर यूजर अपने पेजर को जेब से बाहर निकाले और इसकी छोटी सी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे मैसेज को पढ़ने के लिए जैसे ही पेजर को अपने चेहरे के पास लाए, मोसाद द्वारा हिजबुल्ला के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए पेजर सितंबर के पहले हफ्ते में लेबनान पहुंच जाते हैं। हिजबुल्ला द्वारा इन पेजर्स को अपने लोगों में बांट भी दिया जाता है, जिसके बाद मोसाद अत्यंत बेसब्री से अपने प्रधानमंत्री से आदेश मिलने का इंतजार करने लगती है, इंतजार जो बहुत ही जल्द खत्म होने वाला था। 15 सितंबर 2024 के दिन अपनी कैबिनेट से बात करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों के चलते हमारे 70,000 नागरिकों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। जब तक उनमें से हर एक नागरिक अपने घर वापस नहीं आ जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा और न ही किसी को बैठने दूंगा। मैं जानता हूं कि विस्थापित हुए नागरिकों को तब तक वापस नहीं लाया जा सकता जब तक के उत्तर में सुरक्षा के हालात ठीक ना हो जाएं, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए कि यह हालात जल्द ही ठीक हो जाएंगे। नेतन्याहू द्वारा अपनी कैबिनेट को दिए गए इस वचन के ठीक 2 दिन बाद यानी कि सितंबर के दूसरे मंगलवार की सुबह मोसाद चीफ डेविड बार्निया के पास केवल 3 शब्दों वाला एक टॉप सीक्रेट केबल आता है जिसमें लिखा हुआ था, इट्स पार्टी टाइम। ये केबल मिलते ही मोसाद द्वारा अपने कंप्यूटर सिस्टम में कुछ बटन्स दबाए जाते हैं और अगले ही क्षण हिजबुल्ला द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 5,000 पेजर्स बीप करने लगते हैं। किसी के पेजर में रिंगटोन बजती है, किसी में म्यूजिक, तो किसी का पेजर सिर्फ वाइब्रेट करने लगता है। इन सभी पेजर्स की स्क्रीन पर अरबी भाषा में लिखा गया एक मैसेज फ्लैश हो रहा था जिसे हिजबुल्ला के शीर्ष नेतृत्व द्वारा भेजा गया था, एक आखिरी मैसेज जिसके ठीक 5 सेकंड बाद ये सभी पेजर्स खुद ब खुद फट रहे थे। इससे पहले के लेबनान और हिजबुल्ला अपने पेजर्स में हुए धमाकों से उबर पाते, 24 घंटे बाद हिजबुल्ला द्वारा प्रयोग किए जा रहे वॉकी टॉकीज में भी धमाके होने लगते हैं। हिजबुल्ला द्वारा हजारों की संख्या में इस्तेमाल किए जा रहे वॉकी टॉकीज आईकॉम नामक एक जापानीज कंपनी का ICV-82 मॉडल था, लेकिन अत्यंत चौंकाने वाली बात यह थी कि आईकॉम द्वारा इस मॉडल का आखिरी बैच साल 2014 में बनाया गया था। ये धमाके होने के तुरंत बाद एक आधिकारिक बयान जारी कर आईकॉम कहती है कि वो 10 साल पहले ही ये वाले वॉकी टॉकीज बनाना बंद कर चुकी है और पिछले 10 सालों से उसके किसी भी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा इस मॉडल का एक भी शिपमेंट मिडिल ईस्ट नहीं भेजा गया। साफ था कि हिजबुल्ला द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे आईकॉम के वॉकी टॉकीज ओरिजिनल नहीं बल्कि काउंटरफीट यानी के नकली वॉकी टॉकीज थे।
असल में 2014 में आईकॉम ने तो अपने ICV-82 मॉडल को बनाना बंद कर दिया, लेकिन हेजबुल्ला ने इनका इस्तेमाल करना बंद नहीं किया। 2014 के बाद हेजबुल्ला के कमांडर्स इस वॉकी टॉकी को ऐसे अनऑथराइज डीलर से खरीदने लगे जो नकली प्रोडक्ट्स बेचा करते थे। अब ओरिजिनल और नकली वॉकी टॉकी के बीच में बहुत ज्यादा अंतर था, क्वालिटी में भी और प्राइस में भी। और ये जो प्राइस का अंतर था, इस पैसे से हेजबुल्ला के कमांडर्स अपनी बीवियों के लिए डिजाइनर स्कार्फ्स और आईफोन्स खरीदने लगे। मोसाद को ये बात पता थी और उसने इसका खूब फायदा उठाया। आईकॉम का IC-8V2 वॉकी टॉकी साइज में पेजर के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए मोसाद को इसे एक बॉम्ब बनाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक गोल्ड अपोलो पेजर्स की तरह इन वॉकी टॉकीज के लिए भी विशेष बैटरीज का निर्माण किया जाता है। अत्यंत हाई क्वालिटी की मेड इन इजराइल बैटरीज, जिनके अंदर 10 ग्राम PETN इंस्टॉल किया गया था। पेजर्स के मुकाबले वॉकी टॉकीज में 2 गुना विस्फोटक इसलिए लगाया गया था क्योंकि सिविलियंस द्वारा उनके इस्तेमाल किए जाने की संभावना बहुत ज्यादा कम होती है। बुधवार के दिन निकाली जा रही हेजबुल्ला की अंतिम यात्रा के दौरान जब वॉकी टॉकीज में धमाके होते हैं तो चारों तरफ एक अफरा तफरी सी मच जाती है। धुएं से बाहर निकल खुली सांस लेने के लिए लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कोई अपना फोन जेब से निकाल दूर फेंक रहा होता है तो कोई फोन की बैटरी को निकाल के जमीन पर पटकने लगता है। अपना फोन बंद कर दो, इसकी बैटरी निकाल के फेंक दो। एक अत्यंत घबराई हुई आवाज हेजबुल्ला के लाउडस्पीकर पर यह घोषणा करने लगती है और चारों तरफ फैल चुके कोहराम के बीच उम इब्राहिम नामक एक महिला अपने दोनों हाथ जोड़ यहाँ मौजूद एक रिपोर्टर से उसका फोन मांगती है और उसके फोन से अपने पति का नंबर डायल कर जोर से चिल्लाती है। हेलो, अभी के अभी सारे फोन बंद करो और घर के बाहर फेंक दो। सारे फोन घर के बाहर फेंक दो।